आज मैंने बनाई है पाइनएप्पल चिकन। बहुत मज़े की बनी, बहुत ज़बरदस्त, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। मैंने सोचा था कि अगर ये बहुत मज़े की बनेगी तो मैं इसको लाजमी शेयर करूँगी, और मैंने इसीलिए इसकी वीडियो भी बनाई। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि मैंने बनाई कैसे। पाइनएप्पल चिकन बनाने के लिए मैंने चिकन बोनलेस 500 ग्राम ली है, और बोनलेस चिकन मैंने थाइज वाली ली है क्योंकि मुझे वो पसंद है, मुझे ब्रेस्ट पीस नहीं पसंद है। कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून, ऑल पर्पज़ फ्लावर, मैदा 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर हाफ हाफ टी स्पून, गार्लिक जिंजर का पेस्ट 1 टेबल स्पून, सिरका और सोया सॉस एक टेबल स्पून, मगर आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपके पसंद के ऊपर है। सब चीज़ें चिकन में मिला के 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए रख दी, और उसके बाद हमने एक एक करके पकोड़ों की तरह तल लिया उसको गोल्डन ब्राउन। एक पैन में थोड़ा सा तेल लिया और उसमें एक छोटी प्याज, पाइनएप्पल 1 कप, छोटे चौकोर कटे हुए टुकड़े, एक शिमला मिर्च हरी और किसी भी रंग की जो हो, वो सब हमने डाला पैन में, और उसके बाद उसको हिलाया यानी सॉटे किया, और फिर उसके बाद उसमें चिकन भी मिला दी। फिर ये सॉस तैयार किया है। हाँ, बारीक कटा हुआ लहसुन तो बताना भूल गई, वो भी डालना है। अब इसको पाइनएप्पल जूस में हमने कॉर्नफ्लावर डाला है, और घोलते वक्त उसमें केचप भी शामिल कर दिया, वो भी आपके ऊपर है कि आपको कितना उसमें डालना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता चला के उसे देखना है कि बबल्स बनने लगें। जब बबल बनने लगेंगी तो ये तैयार हो जाएगा, और ये आपकी जो भी डिज़ायर्ड थिकनेस है उसे हिसाब से रखिए। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है या कम गाढ़ा पसंद है, उसी हिसाब से आप उसमें कॉर्नफ्लावर डालिएगा। लीजिए, लजीज़ तैयार है, बेहतरीन किस्म की रेस्टोरेंट स्टाइल पाइनएप्पल चिकन। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा।